वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर पार्टी अपना इलेक्शन कमिश्नर लाना चाहती है। प्ली बागिन ना हुई तो मरियम नवाज की तरह बिलावल की सियासत भी खत्म हो जाएगी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को बाहर जाते हुए नहीं देख रहा। मोदी हिटलर ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। लाहौर वाकये पर पूरी कौम रंजीदा है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का है, अगर जो लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी सुकून हो, उन्हें इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ ले और कुछ दे करना चाहिए। अव्वल तो ये बात ही गलत है कि मैं कहूँ कि मेरा जज हो और वो कहें कि उनका जज हो, पीपल्स पार्टी कहे कि उनका जज हो, नून लीग कहे कि उनका इलेक्शन कमीशन हो, इसका मतलब है कि दाल में काला है। एक तरफ हम मुतालबा कर रहे हैं कि फेयर इलेक्शन हो और दूसरी तरफ हम इस तरह की गैर कानूनी और गैर आइनी बातें करते हैं। मैं फरियाल और मरियम और आसफ जरदारी को मुल्क से बाहर जाता नहीं देख रहा, और बिलावल साहब बहुत बयान दे रहे हैं। बिलावल उस 5 केसेस के ग्रुप का हिस्सा है, 19 ग्रुप्स का, उस डायरेक्टर्स का हिस्सा है और उस पे केस है बकायदा नैब का। और अगर ये प्री बार्गेन नैब के साथ नहीं करेंगे तो बिलावल का केस भी, बिलावल की सियासत भी दम तोड़ जाएगी, उसकी सियासत भी खत्म हो जाएगी। बिलावल की सियासत भी मरियम की तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो नैब का 5 के 5 केसेस में वो डायरेक्टर था। लाहौर दिल है, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, और लाहौर के दिल में जो कुछ वाकया हुआ है, सारी कौम का दिल मजरूह हुआ है, सारी कौम का दिल रंजीदा है।